हेलो फ्रेंड्स, मैं जय, आपका विशेष ज्ञान में स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको कुछ टैली की सिंपल सी बातें बताने वाला हूं, जो कि हो सकता है आपको पता ही हो, लेकिन जो लोग फर्स्ट टाइम यूज़ कर रहे हैं उन्हें ये जानकारी नहीं हो, तो ये वीडियो स्पेशली उनके लिए है। फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे सिर्फ एक रिक्वेस्ट करूँगा कि आप अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मेरी वीडियोज़ के नीचे आपको एक रेड रंग का बटन दिखाई देगा जिस पर सब्सक्राइब लिखा होगा, आप उस पर क्लिक करें और उसके बगल में आपको एक बेल का आइकन होगा, उस पर भी आप क्लिक करें ताकि मेरी जो न्यू वीडियोस आएंगी उसकी आपको नोटिफिकेशंस मिलती रहें। और फ्रेंड्स, ये बिल्कुल फ्री होता है। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपको सिखाऊंगा टैली के अंदर कि कुछ शॉर्टकट कीज बताऊंगा और कुछ और भी बातें बताऊंगा जो कि कॉमनली सबके लिए जानना जरूरी है। बहुत से लोगों को इस मामले में प्रॉब्लम्स आती हैं, जैसे कि ये मैंने यहाँ पर सेल्स की एंट्री करके रखी है। अगर मैं अभी इसका प्रिंट निकालना चाहूँ, ऐसा कई बार होता है कि हम जब प्रिंट निकालने वाले होते हैं और एट ए टाइम पता चलता है कि हमारा प्रिंटर ख़राब हो चुका है। ठीक है, अब मेरे पास ऑप्शन क्या बनता है, या तो प्रिंटर ठीक कराऊं तब तक बिलिंग रोक के रखूं, या मैं एक काम करूं कि इसे एक फ़ाइल के रूप में कन्वर्ट कर लूं जो बिलिंग है, उसके बाद मैं किसी कैफ़े वगैरह से जाके प्रिंट निकाल कराऊं। तो ये कैसे करेंगे फ्रेंड्स, टैली के अंदर ही कैसे होगा, जो आपकी बिलिंग है वो आप कैसे निकालेंगे? तो एल्ट के साथ आप पी प्रेस करेंगे। आपको मालूम ही होगा कि जब आप प्रिंट निकालते हैं तो एल्ट के साथ पी प्रेस करते हैं। उसके बाद आपको क्या करना है, मैं इसमें और दो तीन नॉलेज दे देता हूँ साथ में। तो आपको क्या करना है कि अगर आपको प्रिंट प्रीव्यू देखना है तो एल्ट के साथ आई प्रेस कीजिए, या बटन बार पर आपको जहाँ नो प्रीव्यू लिखा हुआ है वहाँ विथ प्रीव्यू लिखा रहेगा, और आपका इस जगह आपको यहाँ पर विथ प्रिंट प्रीव्यू लिख कर आ जाएगा, ये जो आपका वाउचर प्रिंटिंग खुला हुआ है। ठीक है, इस पर आप वाई प्रेस कीजिए या इंटर प्रेस कीजिए तो आपका इस तरीके से एक पॉपअप खुलेगा। इसमें आप एल्ट के साथ जेड प्रेस कीजिए जूम करने के लिए, या आप जूम बटन पर भी क्लिक कर सकते हैं। तो मैंने जैसे एल्ट के साथ जेड प्रेस किया, आप इस तरीके से देख सकते हैं जो आपकी बिलिंग है कि आपकी सब चीज़ परफेक्ट है या नहीं। उसके बाद आपको क्या, अगर इसमें मान लीजिए दो तीन पेजेस में है ये प्रिंटिंग, तो आपको क्या करना है, पेज डाउन या पेज अप का यूज़ करना है आपको वो नीचे ऊपर करने के लिए। ठीक है, अभी मैं फिर से एक बार एल्ट पी प्रेस करता हूँ। ठीक, अब मैं यहाँ पर ये प्रिंट प्रीव्यू का ऑप्शन को हटा देता हूँ, नो प्रीव्यू कर देता हूँ। यहाँ से आप देख सकते हैं कि हट चुका है। ठीक है, यहाँ टाइटलिंग, यहाँ पर आप टैक्स इनवॉइस देना चाहते हैं या जो भी देना चाहते हैं या सब टाइटल देना चाहते हैं वो आप दे सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आपको क्या क्या चीज़ें अपनी उसमें बिलिंग में देनी है वो आप यहाँ पर चूज़ कर सकते हैं। ठीक है, यस कीजिए, नो कीजिए। कई बार क्या होता है, कंपनी का नाम नहीं दिखाई देता है, कई बार मोबाइल नंबर नहीं दिखाई देता है, तो वो सारी चीज़ें आपको इससे आ जाएंगी अगर आपने फिल करके रखी होंगी कंपनी क्रिएट करते वक्त। उसके बाद कॉन्फ़िगर में जाइए, यहाँ पर जो आपको सारी सेटिंग्स चाहिए हो वो आप यस कर सकते हैं, जो भी सेटिंग्स हो। ठीक है फ्रेंड्स, इसमें हर अलग अलग तरीके सेटिंग्स से अपनी ज़रूरत के हिसाब से आप यस कर सकते हैं। ठीक है, अब मैं आपको सबसे पहले ये बता दूं कि जैसे आप प्रिंट निकालते हैं किसी भी अपने दुकानदार को बिलिंग करने के लिए, तो उसमें क्या होता है कि आपको ओरिजिनल फॉर रिसिपिएंट, डुप्लीकेट फॉर बायर्स और ट्रिप्लीकेट फॉर ट्रांसपोर्ट, इस तरह की कॉपीज़ निकालनी होती हैं। तो कॉपीज़ में जाइए, यहाँ पर आप थ्री प्रेस कीजिए क्योंकि आपको तीन कॉपीज़ निकालनी है, और नॉट एप्लीकेबल में आप ऑल कर दीजिए। और अगर मान लीजिए सपोज़ कि आपको सिर्फ एक निकालनी है, ऐसा कई बार होता है कि हम दो निकालते हैं, प्रिंटर किसी वजह से बीच में रुक जाता है तो उसके बाद एक कॉपी नहीं निकलती है, तो बार बार तो हम तीन निकालेंगे नहीं, तो उस समय क्या करना है, जैसे कि एक करना है यहाँ पर, और यहाँ ऑल में आके हमें जो कॉपीज़ निकालनी है वो सेलेक्ट कर लेनी है। ठीक है, लेकिन अभी तो फिलहाल मैं आपको तीन का केस दिखा रहा हूँ। यहाँ पर ऑल किया आपने, इस तरीके से अब आपकी तीन कॉपीज़ निकलेंगी। लेकिन अब मैंने जो एक बात कही थी कि अगर आपका प्रिंटर ख़राब हो गया है तो आपको कैसे करना है कि उसको एक फ़ाइल में कन्वर्ट करना है, तो आप सेलेक्ट प्रिंटर का ऑप्शन देख सकते हैं, उसके लिए एल्ट और एस है। फ्रेंड्स, आप जो भी यहाँ पर देख रहे हैं उसके बगल में जो भी आपको लिख के आ रहा है ग्रीन रंग से, उसके नीचे एक डैश है, डैश का मतलब होता है उस चीज़ को आप एल्ट के साथ यूज़ करेंगे, यानी कि एल्ट के साथ एल यूज़ करेंगे तो प्रिंट का लैंग्वेज चेंज हो जाएगा। उसी तरीके से एल्ट के साथ आई प्रेस करेंगे तो प्रिंट प्रीव्यू में आएगा ऑप्शन, और सेलेक्ट प्रिंटर के लिए एल्ट एस है। तो सेलेक्ट प्रिंटर पे मैंने क्लिक किया, अभी खुलेगा। उसमें क्या होता है कि आप अपने प्रिंटर भी सेलेक्ट कर सकते हैं। कई बार होता है क्या कि हमारे पास तीन चार प्रिंटर्स होते हैं प्रिंट करने के लिए, तो हम आप प्रिंटर्स भी सेलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको यहाँ पर प्रिंटर्स की तो बात नहीं दिखाऊंगा, मैं आपको वो दिखाऊंगा कि किस तरीके से आप फाइल में उसे कन्वर्ट करेंगे। फ्रेंड्स, थोड़ी स्लो चल रही है, हाँ आ गया। यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, जितने प्रिंटर्स आपके एक बार कनेक्ट हो गए टैली के साथ, तो वो आपको सारे यहाँ पर दिखाई देने लगेंगे, या जो वायर आपका कनेक्ट होगा वो आपको यहाँ पर दिखाई देने लगेगा। जिसको आपको सेलेक्ट करना है आप उस पर एंटर कर दीजिए, और उसके बाद एक पॉपअप खुलेगा, उसमें जो भी अपनी सेटिंग्स करनी हो, जैसे कि मैं फॉर एग्जांपल दिखा भी देता हूँ, ये आप देख सकते हैं, इसमें आप कलर वगैरह या पोर्ट्रेट या लैंडस्केप इस तरीके से करना है, या ब्लैक करना है तो ब्लैक कर लीजिए आप, ब्लैक इंक ओनली, इस तरीके से आप कर सकते हैं।
और उसके बाद फिर से मैं आपको दिखा दूँ। ये तो मैंने प्रिंटर की बात कही, यहाँ पर देखिए ये आप देख सकते हैं कि अगर आपको एक फाइल के रूप में इसे कन्वर्ट करना है तो माइक्रोसॉफ्ट XPS डॉक्यूमेंट राइटर करके आ रहा है, इस पर आप क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद आपसे ये भी कुछ पूछेगा, आप कुछ ज़रूरत नहीं है, आपको सिर्फ ओके कर देना है, ठीक है, और उसके बाद यस कर देना है। यस करते ही आपसे पूछा जाएगा कि आपको किस जगह इसे सेव करना है फाइल को कंप्यूटर के अंदर, तो आप वो अपनी डेस्टिनेशन सेलेक्ट कर लें, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं डेस्कटॉप सेलेक्ट करता हूँ, ठीक है, और यहाँ मैं फ़ाइल का नाम कुछ भी दे देता हूँ, फॉर एग्जांपल मैं अपना ही नाम अभी फ़िलहाल दे देता हूँ। उसके बाद मैं इस तरीके से, ये मेरी ऑलरेडी फ़ाइल है इसीलिए मैं फिर से इसमें कुछ और नाम दे देता हूँ, यहाँ पर कुछ भी मैंने कर दिया, ये वहाँ आ जाएगी। उसके बाद आप देखिएगा उसे, आप जब ओपन कीजिएगा उसके बाद आप उस फाइल को ले जाके कैफ़े से प्रिंट आउट निकाल सकते हैं। जैसा कि फ्रेंड्स आप देख रहे हैं ये फाइल यहाँ आ गई डेस्कटॉप पे। अब मैं इस पर राइट क्लिक करूँगा, राइट क्लिक करने के बाद ओपन विथ, ओपन विथ में ये आप देख सकते हैं XPS व्यूअर है, ये आपके PC में होना चाहिए, अगर नहीं है तो आपकी ये फ़ाइल ओपन नहीं होगी, या फिर आप कोई और सॉफ्टवेयर का यूज़ करके ओपन कर सकते हैं। आप देख सकते हैं इस तरीके से मेरी बिलिंग यहाँ पर आ गई है। अब मैं इस फाइल को उठा के ले जाऊँगा और कहीं से भी मैं इसे प्रिंट कर लूँगा। अब फ्रेंड्स मैं आपको यहाँ पर कुछ दिखा दूँ, जैसे आप डिस्प्ले डे बुक में हैं, ठीक है, तो आपको यहाँ कुछ ऑप्शंस दिखाई देने, इसका क्या यूज़ होता है। डुप्लीकेट, जब आप इस पे एल्ट के साथ टू प्रेस करेंगे या डुप्लीकेट पर क्लिक करेंगे तो वो आपका डुप्लीकेट फिर से बन जाएगा। जैसे सपोज़ कीजिए मैंने इस तरीके से किया, आप डुप्लीकेट बना सकते हैं, आप इंटर इंटर प्रेस करेंगे, सपोज़ मैं एक बार कर भी लेता हूँ, आप फ्रेंड्स देख सकते हैं अभी ये मेरा एक था, जो मेरा सेल का वाउचर था एक था, जैसे मैंने डुप्लीकेट किया तो वो उसके अंदर घुस गया, मैंने इंटर इंटर प्रेस किया फिर से ये दोबारा नीचे आ गया है। तो आप इस तरीके से मान लीजिए कोई ऐसी बिलिंग हो कि एक ही आइटम्स हो, सब कुछ सेम हो, या अगर मान लीजिए उसमें कुछ चेंजिंग करनी है तो आप चेंजिंग भी कर सकते हैं यहीं से रहते हुए। अगर आप उसकी दूसरी बिलिंग काटना चाहते हैं जिसमें थोड़ी बहुत चेंजिंग करना चाहते हैं तो आप यहीं से कर सकते हैं, डुप्लीकेट पर क्लिक कीजिएगा उसके बाद आप उसमें थोड़ी बहुत चेंजिंग भी कर सकते हैं। अगर सेम आइटम से सब कुछ सेम है, रेट्स वगैरह सब सेम है, तो आप इस तरीके से इंटर इंटर करके सेव कीजिए, आपके यहाँ पर दो फाइल्स बन जाएंगे। एक तो ये हो गया, ऐड वाउचर, आप यहाँ से कोई भी वाउचर ऐड कर सकते हैं और उसमें इंक्रीज़ कर सकते हैं, इसके लिए आपको बाहर निकलने की भी ज़रूरत नहीं होगी। अब जैसे ऐड पे जाइएगा उसके बाद आप यहाँ पर इस तरीके से अपने वाउचर्स चुन सकते हैं जिसमें आपको एंट्री करनी हो। आप डिस्प्ले बुक यानी डे बुक पे रहते हुए आप ये सब काम कर सकते हैं। इंसर्ट वाउचर, वाउचर इंसर्ट कर सकते हैं आप देख सकते हैं इसमें भी इस तरीके से है, ऐड और इंसर्ट एक ही चीज़ है, ठीक है। रिमूव लाइन, रिमूव लाइन का मतलब जैसे देखिए मेरी जिस पर हाईलाइट किया हुआ है, अगर मैं अभी ये रिमूव लाइन कर दूँ तो वो वहाँ से हट जाएगा, हट चुका है। अब मैं कितनी बार भी डेट सेलेक्ट कर लूँ वो वहाँ तब तक नहीं आएगा जब तक मैं यहाँ से एल्ट के साथ यू यानी कि रीस्टोर लाइन नहीं करूँ। आप देखिए वापस आ गया, ठीक है। तो कई बार ऐसा होगा कि आपकी कुछ बिलिंग्स की हुई हैं, आपने बाय मिस्टेक रिमूव लाइन पर क्लिक कर दिया तो आपकी वहाँ दिखाई नहीं दे रही है। आप सोच रहे हैं कि आखिर मैंने तो एंट्री की थी लेकिन दिखाई क्यों नहीं दे रही है, तो हो सकता है कि आपका रिमूव लाइन पर क्लिक हो गया हो और वहाँ से रिमूव हो गई, तो आपको रीस्टोर कर लेना है। अगर आपको कई सारे लेजर्स या सॉरी कई सारे वाउचर्स आपको एक साथ डिलीट करने हो, ठीक है, तो आप कैसे करेंगे, तो आपको यहाँ पर देख सकते हैं आपको एल्ट के साथ अगर आप कंट्रोल एल्ट और स्पेस तीनों अगर प्रेस कीजिए आप, तो आप देख सकते हैं जैसे कि मैं आपको दिखा दूँ, फॉर एग्जांपल इसका शॉर्टकट की कंट्रोल के साथ अगर मैंने स्पेस प्रेस किया, ठीक है, तो आप देख सकते हैं इसने सबको सेलेक्ट कर लिया। अब मैं अगर चाहूँ तो इसे एक साथ डिलीट कर सकता हूँ यहाँ एल्ट डी प्रेस करके, या यहाँ पर ये जो डिलीट का ऑप्शन है इस पर क्लिक करके। फिलहाल मैं इसे हटा देता हूँ, ठीक है, और यहाँ एल्ट डी आप जानते ही होंगे डिलीट करने के लिए। अब कैंसिल, डिलीट से तो आपका वो फाइल्स हट जाती हैं लेकिन कैंसिलेशन से क्या होता है, कैंसिलेशन से क्या होता है कि वो आपकी वहीं दिखाई देगी लेकिन कैंसिल लिख के आएगी। अभी जैसे मैं एल्ट के साथ अगर एक्स प्रेस करूँ या कैंसिल पर क्लिक करूँ, ये कैंसिल पर मैंने किया, आप देख सकते हैं सब कुछ वही है, वहाँ दिखाई भी दे रही है और आपको लेकिन ये पता रहेगा कि ये मेरी इनवॉइस कैंसिल्ड हुई है, ठीक है। तो इस तरीके से फ्रेंड्स ये कुछ शॉर्टकट्स की हैं। सबसे पहले मैंने आपको बताया एल्ट के साथ पी वो करने के लिए, आपको प्रिंट करने के लिए। अब मैं वाउचर्स में जाता हूँ, वाउचर्स में जाने के बाद मैं आपको एक और शॉर्टकट की बताता हूँ। जैसे कि आप सपोज़ कीजिए आपने यहाँ पर कोई लेजर सेलेक्ट कर लिया, फॉर एग्जाम्पल यही आप सेलेक्ट कर लीजिए,
अब इसके अंदर आपको जाना है, कैसे आप जाओगे इस लेजर, यहाँ वाउचर से रहते हो आपको लेजर में जाना है, तो कंट्रोल के साथ आप एंटर प्रेस करोगे और आप इस तरीके से लेजर में जा सकते हो और कुछ भी मॉडिफाई कर सकते हो। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि अगर आपको यहाँ पर कोई लेजर्स क्रिएट करने होते, सपोज़ आपको यहाँ पर कोई लेजर्स क्रिएट करना है, आपने लेजर क्रिएट नहीं किया, वाउचर पर रहते हुए करना चाहते हो, तो एल्ट के साथ आप सी प्रेस करोगे और आप न्यू लेजर यहाँ क्रिएट कर सकते हो। इसी तरीके से आप स्टॉक आइटम्स वगैरह सब कुछ क्रिएट कर सकते हो। अब मैं बात करूँ अकाउंटिंग इन्फो में जाकर, सॉरी मैं अगर कोई आइटम्स बना रहा हूँ और मेरी आइटम्स सब कुछ सेम है, जैसे कि कई बार क्या होता है कि उसमें सिर्फ यूनिट्स का अंतर होता है या साइज का अंतर होता है, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जांपल आप समझिए मैंने ये लिखा एल्बो 3 इंची, ठीक है। अब मैं इसे जिसमें भी ले लूँ पीसेज, मैं यहाँ फुल डिटेल्स नहीं दूंगा, यहाँ मैं सिर्फ वो शॉर्टकट की का आपको यूज़ बताऊँगा कि किस तरीके से आप इजीली अपनी अकाउंटिंग और फास्ट कर सकते हैं। अब जैसे ये एल्बो 3 इंची, अब मुझे इसके बाद जस्ट क्रिएट करना है एक आइटम जिसमें मैं 4 इंची करूँगा, सब कुछ सेम रहेगा, सिर्फ 4 इंची मुझे करना है। तो यहाँ पर क्या मुझे फिर से नाम टाइप करना होगा, वो काम मुझे नहीं करना है, मुझे एल कंट्रोल के साथ मुझे आर प्रेस करना है, कंट्रोल के साथ आर, मेरा वो नाम वापस से आ गया जो इससे पहले मैंने टाइप किया था, और मैं सिंपली यहाँ पर वो इरेज करके यहाँ 4 इंची कर दूंगा। उसके बाद मुझे जैसे सेव करना है मैं उस तरीके से इसे सेव कर दूंगा, ठीक है फ्रेंड्स। और फ्रेंड्स आपको अगर TDL फाइल जोड़नी है, जैसे कि मैंने अपने पिछले वीडियो में बताया था कि HSN की फ़ाइल या GST फाइल आप कैसे जोड़िएगा, जो कि आपको मेरे सेल्स के वाउचर में दिखाई दे रही होगी कुछ अलग, तो आप यहाँ पर ये जो आपका वर्जन एंड अपडेट सीरीज़ ए रिलीज 6.0.3 लिख कर आ रहा है नीचे में, आप इस पर क्लिक कीजिएगा दो बार या एक बार तो आपको खुल जाएगा, या आप इसके लिए शॉर्टकट की भी यूज़ कर सकते हैं कंट्रोल एल्ट और टी। आप देख सकते हैं इस तरीके से मैंने ओपन किया, उसके बाद मैनेज TDL, यहाँ पर मैं जाके कोई भी TDL फाइल जोड़ूंगा। तो जैसे कि मैंने यहाँ पर आपको दिखा दिया कि मैंने ये दो फाइल जोड़ी हुई है, ये मैंने अपने पिछले वीडियो में बताया, आप जाके वहाँ से देख लेंगे। एक मेरे पास रिसाइकिल बिन की फाइल थी, रिसाइकिल बिन क्या कि जैसे कि आप टैली में कई बार वाउचर्स डिलीट करते हैं, कोई आपको यूज़ नहीं होता आप डिलीट कर देते हैं, तो उसमें क्या कि अगर आपका रिसाइकिल बिन का ऑप्शन रहता है टैली के अंदर, तो आपको होता क्या है कि आप डिलीट करते हैं तो वो रिसाइकिल बिन में जाता है, अगर कभी आप वापस से लाना चाहें तो आपको फिर से एंट्रीज करने की ज़रूरत नहीं। कभी कभी क्या होता है बाई मिस्टेक हमारे हाथ से क्लिक हो जाता है तो वो डिलीट हो जाती है, तो वो रिसाइकिल बिन की फ़ाइल मेरे पास है लेकिन वो पुरानी फाइल है, तो वो क्या है कि अभी जो ये न्यू वर्ज़न आया है टैली का जो अपडेट हुआ है इसमें वो वर्क नहीं कर रही है, मेरा जो पुराना वर्ज़न है उसमें वर्क करती थी। अगर आप पुराना वर्ज़न यूज़ कर रहे हैं और आप चाहते हैं कि हमें वो फ़ाइल दी जाए, या आप चाहते हैं कि वो फ़ाइल आपको मैं दूं, तो आप अपनी ईमेल आईडी छोड़ दीजिएगा और उसके बारे में लिख दीजिएगा कि रिसाइकिल बिन फाइल चाहिए, या देखिए आपको डेस्कटॉप पे दिखाई दे रही rbin.zip करके ये एक्सट्रैक्ट फाइल के रूप में, जैसे मैं इस पर डबल क्लिक करूँगा। अगर आप पुराना वर्ज़न यूज़ करें फॉर अकाउंटिंग के लिए सिर्फ, अगर आप न्यू वर्ज़न कर रहे हैं तो ये इसमें वर्क नहीं करेगी। न्यू वर्ज़न अब फाइल आई है कि नहीं आई है नेट पर मैं नहीं जानता हूँ रिसाइकिल बिन की, आप इस तरीके से यहाँ पर एक्सट्रैक्ट करेंगे। एक्सट्रैक्ट करने के बाद मैं दिखा दूँ एक बार आपको इसी वीडियो के अंदर कि आपको कैसे यूज़ करना है इसे, आपका इस तरीके से फाइल्स आ जाएंगी जैसे आप एक्सट्रैक्ट करेंगे। तो आपको यहाँ रीडमी का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, इसमें जाके आप सारी डिटेल्स पढ़ सकते हैं किस तरीके से आपको करना है इसे यूज़। लेकिन अगर आपको वहाँ पर जोड़ना हो तो आप ये देख सकते हैं, जैसे ये फाइल मुझे जोड़नी है, ये इसमें से आपको जोड़नी कौन सी, आपको rbin.tcp या rbin9v या ये rbin.tcp, इसमें से कोई भी आप फाइल जोड़ सकते हैं। इस पर आप राइट क्लिक कीजिएगा, प्रॉपर्टीज़ में जाइएगा, यहाँ से इसे आप इस तरीके से कॉपी कीजिएगा जो इसका लोकेशन है उसे बंद कीजिएगा, और वही जहाँ पर मैंने आपको बताया कि यहाँ पर आप जिस तरीके से जाएंगे जो कि मैंने अभी आपको तुरंत बताया, यहाँ पर जाने के बाद आप एल्ट कंट्रोल और वी प्रेस कीजिएगा, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं इसे हटा दूं, मैंने इसे हटा दिया, अब मैं यहाँ पर इंटर करके आ रहा हूँ, देखिए मैंने जो किया वो लोकेशन यहाँ पर आ गई है। इसी तरीके से आप और भी फाइल्स जोड़ सकते हैं इसमें। अब आप क्या करना है, आपको एक ऑब्लिक देखिए, उसके बाद आपको उस फाइल का नाम लिखना है जिस फॉर्मेट में जिस तरीके से वो लिखी हुई है, जैसे कि rbin9.erp-erp.tcp इस तरीके से आपको लिखना है, लेकिन वो इसमें वर्क नहीं कर रही है न्यू वर्जन में, आपके ओल्ड वर्जन में वर्क कर जाएगी, इस तरीके से आप कीजिएगा। तो बाकी आपको कहीं कोई प्रॉब्लम हो तो रेडमी का ऑप्शन है, आप वहाँ से पढ़ भी सकते हैं। और फ्रेंड्स बाकी आप HSN कोड्स वगैरह की फ़ाइल चाहते हो या GST वगैरह की फाइल चाहते हो या उसे सीखना चाहते हो कि उसे मैंने कैसे ऐड किया, इसी तरीके से ऐड किया लेकिन फिर भी आपको क्लियरली समझ में नहीं आया हो, तो मेरी एक पिछली वीडियो जिसमें मैंने ये बात एक्सप्लेन की। और अगर आपको वो फाइल्स चाहिए हो TDL फाइल्स, तो आप अपनी ईमेल आईडी छोड़ देंगे और उसमें जो फाइल्स चाहिए हो उसके बारे में आप लिख देंगे, मैं आपको वो सेंड कर दूंगा आपकी मेल पर। फ्रेंड्स अगर आपको ये वीडियो पसंद आया या आपके लिए हेल्पफुल है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, इसे अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करें। थैंक यू फ्रेंड्स।